आप मेरे से पूछ सकते थे कौन सा क्वेश्चन, बुक कौन सी करनी चाहिए, दुनिया की सबसे पतली किताब, दुनिया की सबसे, नहीं 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 शीट नहीं होगी आपसे, आपके बस की नहीं है, शीट एक्सरसाइज बुक है भाई, आप उसमें देखो तो सही ऊपर क्या लिखा, एक्सरसाइज वन, वो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस नहीं है। किताब तो ऐसी होनी चाहिए तो मुझसे हल हो जाए, जिसको देखता ही रहूं, देखता ही रहूं और देखता ही रहूं, क्या करें। हल्की किताब लीजिए अगर आप कमजोर हैं तो, अच्छे हैं तो फिर प्रॉब्लम बुक उठाइए, डोंट वरी, शीट वैसे ही आपके लिए इनफ है, शीट के बाद डीपीपी इनफ है। अपने लेवल को खुद रियलाइज करो, आपसे बेहतर आपका एनालिस करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपकी कमियां, एक 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 और चीज है ना, एक अपने दिमाग से भी निकाल दो कि मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूं। आप में से कहीं दिमाग में चल रहा होता है, अंदर बहुत चल रहा होता है कि मैं यार मैं बहुत गलत सोचता हूँ, नहीं बेटा तू नहीं, तेरे से ज्यादा गलत सोचने वाला तेरे जस्ट पड़ोस में बैठा है। हाँ, तो आपको ये धीरे धीरे रियलाइज होगा, आपको बात, मेरे को भी ऐसे जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ तो मेरे को अबे यार यू आई कही यार ये सेवेज है यार, ठीक है, ये घटिया इंसान है, सच होता है, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ भी होगा धीरे धीरे, जब वो खुलेगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा मुझसे भारी लोग बैठे हैं दुनिया में, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ तो आप ये भी देख तो ये अच्छा, तो दूसरा किताब हमेशा जितनी पतली से पतली हो सके वो लो। और तीसरा, अगर बाय द वे फिर भी आपको अगर मोटी किताब लेने का शौक है, नहीं साहब मैं तो दिखाऊंगा, तो फिर आप उस केस में सेकंड हैंड बुक उठाओ ना, कोटा से, क्यों फर्स्ट हैंड उठाते हो, मुझे तो कमीशन मिलना नहीं है, तो मैं तो धंधा चौपट कर रहा हूँ उनका, ठीक है। हाँ तो सेकंड हैंड बुक उठाओ, सॉरी, ठीक है, वो मिल ही जाएगी, तमाम तरह की किताबें आपको सेकंड हैंड मिल जाएंगी, तो आपको वहां पर भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जिसके ऊपर आप परेशान हो सकते हो, सीट के सॉल्यूशन बनाने, ये बता दिया मैंने आपको 100% है ना। अच्छा, एक शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए, वीकेंड पे बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाइए, वीकेंड पे बैठ के आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, मतलब जिस हफ्ते में आपको वो नहीं हो ना, क्या कहते हैं, पेपर नहीं हो, ठीक है, उस दिन आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए, पूरे वीक के अंदर जो भी पढ़ाया गया ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है सिर्फ टाइटल डालना और ये टाइटल पे ये क्वेश्चन करा है, दैट्स इट, ये टाइटल है, इस पे ये क्वेश्चन करा, क्वेश्चन क्वेश्चन और नॉट आंसर्स, ताकि आपके पास में क्या होना, एक रेडी रखना, एक ही पेज के अंदर पूरा 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 चैप्टर आ जाना चाहिए, एक पेज में या डेढ़ पेज में, ज्यादा से ज्यादा दो पेज, नहीं समझ में, उससे क्या होगा, आप उस पेज को उठा करके A4 साइज के पेपर पे ले लो, उस पे आप लिखना चालू करो, उसको ट्रिपल फोल्ड कर लेना, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ट्रिपल फोल्ड करने का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, जैसे ये पेपर है ना, तो आप ये पेपर को क्या करना, ऐसे तीन हिस्सों में बांट लेना, समझ में, ऐसे तीन हिस्सों में बांटना, ठीक है। अब ये पूरा एक पेज है, दो पेज, तीन पेज, पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है, छह पेज हो गए, नहीं है, एक पेज का मतलब छह पेज हो गए, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं समझ में, फर्रे बनाना, फर्रे, अब आया, हाँ आप सही में यकीन नहीं करेंगे, मेरी मेरी जो सिस्टर थी वो एग्रीकल्चर में पढ़ा करती थी और वो बिल्कुल डम्बो हुआ करती थी, ठीक है ना, तो मैं उसके लिए फर्रे बनाया करता पेपर पहले, उसको तो पता नहीं लेकिन मुझे सारा के सारा एग्रीकल्चर याद हो गया, हॉर्टिकल्चर, डीम का कल्चर, फलाना कल्चर, सब याद हो गया मेरे को, ठीक है, कंपोस्ट खाद कितने की बनती है, क्या है, क्या रेशियो रहता है, उसके फर्रे बनाने, अच्छा मेरे को ये चीज बाद में रिलाइज हुई, ये तो फर्रे बनाना तो बहुत बढ़िया कला है, इस बहाने से आपको कम से कम पूरा पेपर पढ़ते हो, पूरा पूरा पेज पढ़ते हो, पढ़ने के बाद में आपको ये रिलाइज होता है कि इसमें इतनी इतनी बातें काम की थी, नहीं है समझ में, हाँ तो आपके दिमाग ने क्या किया उसे, हाँ उसे छोटा करा, समझ रहे हो, और जैसे आपने उसे छोटा करा आपको याद होने लग गया चीजें, बस वही आप नहीं कर रहे हो शायद, बहुत ज्यादा टीचर बेस नहीं रहना, बहुत ज्यादा बुक बेस नहीं रहना, आप खुद अपना दिमाग चलाओ। आई एक्सपेक्ट कि आपके और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बता दो, हाँ टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती, रिवीजन के टाइम पे भी मैं आपको बता देता हूँ रिवीजन, अच्छा हाँ ये भी बहुत काम की चीज जो आपके होगा, सर मैं तो पिछले 3 हफ्ते से सर पढ़ना ही बंद कर दिया था, है ना, हम मन ही नहीं करा, है ना, अब क्या करूं, या मैं कहीं चला गया था, मेरे को घर से कोई काम आ गया था, घर में कोई जरूरत पड़ गई थी, मैं बीच में चला गया सर एक वीक के लिए, अब मैं वापस आया हूं, कहां जाऊं, कैसे करें, तो जवाब है छोड़ दो सर, पूरा चुपचाप छोड़ दो, हाँ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, अभी आपके सामने बात करता हूं, देखो बीत्री कौन है, बीत्री के बच्चे कितने,
हाँ वीतरी में क्या क्या हो चुका था, क्या क्या हो चुका बेटा वीतरी में मैच में? हाँ बेसी मैक्स लॉ और सिकंदर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू है और बाइनोमियल हो चुका है। अब बी फाइव में क्या ये चारों चैप्टर हो गए क्या? बी फाइव के अंदर चारों के चारों बेसिक मैथ्स लॉग हो गया। अच्छा बी फाइव पहले बना या बी थ्री पहले बना? अनफॉर्चुनेट ठीक है, तो मतलब ये केस ही बेकार हो गया। जैसे वी वन और वी इलेवन कल मैंने पढ़ाया, वी वन में जो पढ़ाया जा चुका है वी इलेवन में सिर्फ उसका एक चैप्टर पढ़ाया गया था, वी वन में छह चैप्टर हो गया और वी इलेवन में कितने हुए? एक। तो क्या वी इलेवन का बच्चा पास नहीं हुआ? होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो वहां से पढ़ रहे जहां से उसको पढ़ाया जा रहा है। अब वो ऊपर के जो पांच चैप्टर है वो कब पढ़ेगा? लास्ट में। यही काम आप कर लो, आप किस लिए मर रहे हो? नहीं मैं तो उसी टाइम में पढ़ूंगा सर, पेपर में आएगा। अरे पेपर में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे यार किसी भी चैप्टर के? तेरे सात दिन के दस दिन के क्वेश्चन, दस दिन के पढ़ाई में कितने क्वेश्चन उठा लेंगे टीचर? पांच क्वेश्चन, सात क्वेश्चन, दस क्वेश्चन, छोड़ देना, उसके सिवा दूसरे में मेहनत कर ले। नहीं आया समझ में? हाँ तो वैसे चलना, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली। उल्टा क्या होगा, आप अगर भाई पीछे वाले को संभाले जाओगे आज वाले से भी चले जाओगे। सच्चाई, एकदम सच्चाई। अच्छा और क्या क्वेश्चन था? हाँ बेटा हाँ, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं इसको कई बार जवाब देना चाहता हूँ। एक गजब की प्रथा बना रखी है ये मैं इससे हैरान हूँ, सीरियसली मैं खुद नहीं, मैं मेरे से कभी नहीं हुआ ये मेरे से हुआ ही नहीं कभी, ठीक है ना? टाइम टेबल, तीन घंटे ये, दो घंटे ये, तीन घंटे ये, ऐसा होता है ना? फॉरगेट इट, इसे बिल्कुल भूल जाइए। मैं आपको बताता हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, ये आपका दुश्मन है। ये क्यों दुश्मन है? क्योंकि आप में से, अच्छा मैं आपसे सीरियसली बताता हूँ, आप हाथ खड़े करके जवाब देते ना, आपने मैथ्स का कभी कोई क्वेश्चन लगाया? Yes, sir. मतलब कोई शीट वगैरह कभी लगाने की कोशिश करी? Yes, sir. कितने ऐसे बच्चे हैं सीरियसली बताना जिनको देखते ही क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं? एक, अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता चलता है एक घंटे तक सर हवा ही नहीं लगती सर, धीरे धीरे चार या पांच क्वेश्चन ही बनते हैं? आप समझ गए आया ना, एक घंटे में कितने क्वेश्चन बनते हैं? तीन चार पांच। अच्छा आप ये बताओ, अगर बाय द वे आप लगातार बैठे रहे दो घंटे में कितने बनते हैं? उतने ही, दस या थोड़े ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, और तीन घंटे बाद और ज्यादा। आप यकीन नहीं करेंगे, हम ह्यूमन बींग की नॉर्मल साइकोलॉजिकल रेट होती है कि वो पहले एक घंटे अडॉप्टेबिलिटी पे लगाता है, पहले एक घंटे सिर्फ अडॉप्टेबिलिटी पे लगाता है कि मैं किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो पहले एक घंटे में हार्डली फोर टू फाइव क्वेश्चन बना पाता है वो, हार्डली। कई बच्चों से जो चार या पांच क्वेश्चन सपना है उनके लिए, सब चार पांच भी बन जाए ना तो मतलब अपना तो सीट में इतना ही क्वेश्चन तो मिलता है, सही है? पहले दो क्वेश्चन के लिए लड़ जाते हैं, स्किप करने पड़ जाते हैं, छोड़ यार या सॉल्यूशन देख लेता हूं, ठीक है? अब दूसरे दो घंटे के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं तो कि अगले दो घंटे के अंदर आप तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन तक जा चुके होते हो, लेकिन अगर आप तीन घंटे लगातार बैठे रहे ना तो आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप 100% 20 क्वेश्चन तक चले जाओगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है, लिटरली कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। इसीलिए वन शॉट पढ़ाई करो, वन शॉट खींच के बढ़ो। आप जिस दिन आपको लग जाए कि नहीं सब आज के, अच्छा देखो ये तो बाई चांस ही होता है कि अच्छा तीनों सब्जेक्ट के तीन चैप्टर तीनों एक साथ ही खत्म हो गए, ये रेयर केस में होता है कि सर उधर केमिस्ट्री में खत्म हो रहा है इधर फिजिक्स में भी खत्म, एक दो दिन का डिफरेंस रहता ही है। अगर एक दो दिन का डिफरेंस रहता तो फिर तो अपनी बल्ले बल्ले हमेशा। मान लीजिए ग्रेविटेशन खत्म हुआ, अब ग्रेविटेशन के पीछे पढ़ दो, अब सर ने पढ़ा दिया, अब देखते रहिए इस तरह, ठीक है ना? शॉर्ट नोट बन गए सारे के सारे, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करने चालू करो दबा करके, ठीक है? जहां से मिले वहां से, और एक किताब रिगड़ के रख दो आप, आपकी किताब परेशान हो जानी चाहिए, वो आगे पीछे तो फटी जाएगी इधर से, और बाकी भी जहां उसे मोटे कर दो आप, इतने ज्यादा आप एक बार में वन शॉट पढ़ना चालू करो, जब तक ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर वन से लेकर 120 तक ना पहुंच जाना, लाइन के अंदर पढ़ते चले जाओ। मान लीजिए बीच में आपकी कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास में आओ, घर पे जाके फिर पढ़ लो, खत्म करो, लेकिन 120 क्वेश्चन अपनी झोली में कर दो, भले आपको दो दिन लगे तीन दिन लगे,
फिर आपकी कोई केमिस्ट्री नहीं चलेगी। इमरजेंट हो तो फिर आप बीच में कोई केमिस्ट्री वगैरह, सर ने कोई बहुत ध्यान काम दे रखा तो बीच में उठाओ, वरना आप वापिस फिजिक्स में घुस जाओ। जब तक ये मिटेगा नहीं ना, तब तक अपन झुकेगा नहीं। नहीं है समझ में? इसे वाइंड अप करके ही आना आप। और आपको भी पता है मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। आप जिस दिन, क्योंकि आपको एक बार गए अगर ये नशा चढ़ गया ना, आपको लग गया कि यार मैं कर सकता हूं, फिर आप पीछे हटने वाले नहीं हो। फिर आपको पता है बस मेरी मशीन चलती धीरे है, स्टार्ट धीरे होती है लेकिन दौड़ती बराबर है एकदम। ऐसा ही होगा आपके साथ में हर बार, बस आप खींच के खेलना। एक बार पीछे पड़ गए तो लग गए खत्म करके उठेंगे। अब जैसे मान लो आपके दिमाग में आ गया केमिकल बॉन्डिंग, आ जाओ बेटा केमिकल बॉन्डिंग, फिर केमिकल बॉन्डिंग ही होगा खत्म। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग मतलब फिर आपको पता होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपने वन से लेकर लास्ट तक, मैं शीट की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी किताब की बात कर रहा हूँ जिसके भी सॉल्यूशन अवेलेबल आपके पास, क्योंकि बीच में जो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको आपको देखना ही पड़ेगा, तब देख भी लेना, लेकिन फिर खत्म कर देना पूरे, क्योंकि आपने जहां ऐसा करा आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा आपको टॉपिक आने लग गया। तो एसी इतना भयानक है ना, नहीं आपको ठंड नहीं लगती? अरे यार आपकी बात ही अलग है ना, आप लोग क्या एसी में पैदा हुए लोग, आप तो क्या कूलर वाले आदमी। ठीक है, अच्छा और कौन सा क्वेश्चन है? आप तो वाइंड अप करें। हाँ क्या बेटा? हाँ एसी, हाँ इसको प्लीज, इसको थोड़ा अपने पास में, ये इधर है, यहाँ कहीं इसका वो था शायद रिमोट, इधर बाजू में छुपा करके होगा कहीं रिमोट। लॉक है क्या? पता नहीं, ये भी अभी एक मिनट बोल देंगे वो, और नीचे बोल दो ना काउंटर पे, कैमरामैन भैया काउंटर पे बोल दो, काउंटर पे आप है ना। देखो आपको मेरी आवाज बराबर आ रही थी ना, बिना मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, आप लिटरली रियलाइज कीजिए, इस इन आंखों ने इतने बच्चे देख लिए ना, ठीक है ना, मैं यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा हूं, यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा हूं, बहुत ज्यादा दूर तक संघर्ष। हाँ भाई, जो पहले पढ़ा थी उसे बार बार रिवाइज करने के लिए क्या? हाँ ये भी बढ़िया है। देखो एक्चुअल में क्या होगा आपके साथ में कि आप बार बार भूल जाओगे, नो डाउट, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, मेमोरी जो चीज है ना उस पे आपको यकीन करना ही पड़ेगा, मेमोरी पे आपको धीरे धीरे यकीन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अभी तो क्या है, अपन सेव कर सकते हैं ना नंबर, फोन नंबर सेव कर सकते हैं ना, किसी टाइम पे ये जब स्टार्ट हुआ था ना तब फोन नंबर सेव नहीं होते थे, ठीक है, तो हमारे को क्या कुछ काम दम के नंबर याद रखने पड़ते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को कम से कम नहीं करते हुए 200 से ज्यादा नंबर याद थे, ठीक है ना। और मैं अपनी क्लास में अपने आप को सबसे बेवकूफ आदमी समझता था, और मैं कितनी बार अपने पेपर में इसलिए रो देता था लिटरली रो देता था कि मुझे क्वेश्चन की पहली दो लाइनें याद नहीं आ रही, बीच का याद आ रहा है। नहीं है समझ में? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी मेमोरी बेकार है। ये मतलब आप सोचो, अपने आपको दिमाग में चलेगा साइकोलॉजिकली, ऊपर वाला आपके दिमाग में फिट करके भेजता है भाई साहब, इसे इस तक इसको लगेगा ये बेवकूफ है, और सडनली आपको एकदम से रियलाइज होगा, अरे भाई साहब गजब फ्लैश मेमोरी भाई की, फ्लैश मेमोरी जो बोल दिया याद। और होता है, सीरियसली होता है, पता है मेरे दोस्त लोग अब हैरान हो जाते हैं, मैं भी हैरान हो जाता हूं, ये क्या हो गया मेरे को, ये क्या हो गया, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई। हाँ कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, बस जिस दिन अचानक से रियलाइज हो गया ना कि नहीं साहब याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया, ठीक है। मैं कई बार मेरे सामने जैसे कई बार होता है ना कि सर आप ये नंबर लिख लीजिए, मैं नोट डाउन कर लीजिए, आप बोल दीजिए, बस आप बोल दीजिए, ठीक है ना, अचानक से भी आप बोलेंगे ना। और अगर भाई मैं सेंसेस में हूं तो मैं आपको तुरंत कह दूंगा कि हाँ याद हो गया, आप कितने भी बड़े नंबर को बोलेंगे धीरे धीरे याद कर लेता हूँ, तोड़ तोड़ के दिमाग के अंदर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, तब बैठा हो क्योंकि आप अच्छे हैं, ठीक है। आपको दो या तीन बारी में अगर आपने कुछ भी पढ़ लिया ना तो आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला तो बताओ, कोशिश कर रहा ना। हाँ तो वैसे ही चलता है ना, अचानक से आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, आप कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश करिए, आप सफल होंगे धीरे धीरे, डोंट वरी, आप बस अपने यहाँ पे दिमाग में भर लो कि नहीं मेरी मेमोरी बहुत अच्छी, तीन या चार बार रिवाइज करा याद हो जाता है, ठीक है। चले
आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शन। ये याद रखे क्या अपना कैमरा पूरा? ठीक है।